आ जाता है। देखो देखिए यार, चार चार किलो के। अरे मारेगा चल। आपको समझ में आ रहा होगा, बाजार का पूरा माहौल दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है। देखिए जब हम लोग कुकिंग वाली वीडियोस बना रहे थे मटन की, तो उसमें मतलब मैंने बताया था कि जो खस्सी होता है कैसे आप बढ़िया लेंगे, तो आप लोगों का उसमें कमेंट था कि भाई पहचान ना बताइए कि आखिर खस्सी खरीदते कैसे हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पटना का सबसे बड़ा खस्सी और इसका मार्केट, मतलब यहाँ पे ये पूरे जानवर मिलते हैं। और हमारे साथ परवेज है, और इसको देख के मत कम आकलन कीजिएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो परवेज आज हम लोग को बताएंगे कि खस्सी कितने तरह का होता है, आप अगर पहचानना चाहते हैं तो खस्सी बकरी पाठी क्या कैसे डिफरेंट होता है, वो सब सिखाएंगे। तो परवेज भाई पहले एक बात बताओ मेरे को, जगह कौन सा है? जगह राजा बाजार। राजा बाजार का बकरी बाजार है, ठीक है, तो चले अंदर। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, चली चल के लेके चलते हैं आपको बकरी बाजार में और दिखाते हैं कि जो असली खस्सी होता है वो आप कैसे खरीदेंगे। चलिए एक बात बता भाई, क्या है मतलब अगर हम लोग यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ पहले, तो इस बाजार के बारे में। यहाँ मंगल के दिन लगता है, पूरा बकरी आता है, शनिचर के दिन ऐसे कम आता है, अच्छा, शुक्र के दिन और कम आता है, उसके बाद यह तीन बाजार लगता है। तीन दिन का बाजार है, सो मंगलवार को ज्यादा बड़ा बाजार लगता है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम खांसी और ये सब पहचानना होगा तो कैसे कैसे पहचानेंगे, जरा हमको एक जगह लेके चलाओ, बताओ। इधर आइए, तो देखिए खस्सी हुआ है। खस्सी है, कैसे पहचानो ये खस्सी है? देखिए, देखो दिखाओ, बताओ ये क्या हुआ, ये खस्सी है? खस्सी है, खोजा है, बढ़िया 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 है, बढ़िया है। ये छेरुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको बचपन में आ रहता तो इसे ब्लेड चीर के निकाल देता है, माने बढ़िया आड़ू होता है उसको चीर के हटा देता है तो ये बढ़िया बन जाता है। हाँ। कैसे पहचानेंगे इससे और इससे? हाँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद हमको बताओ, पहले तो ये बताओ कि कितने तरह का होता है ये बकरी जानवर, क्या तरह का होता है? चार तरह का, क्या क्या? एगो पठेर, एगो पाठी, एगो खस्सी, एगो बकरी। पठेर माने क्या हुआ, बढ़िया जिसको बोलता है ये? नहीं, दो दांत चार दांत, दो दांत चार दांत वाला। अच्छा, और बकरी होता है फूल दांत, बकरी फूल दांत वाला। अच्छा, जिसको कि दूध आता है जिसमें, आप पाठी हो? हाँ, जिसमें दूध नहीं आता है, बच्चा। हाँ बच्चा छोटा। अरे हो गया आड़ू, जिसको और एगो ही हो गया बढ़िया, मैंने चार तरह का हो गया, ठीक है। सबसे बढ़िया कौन होता है? बढ़िया सबसे बढ़िया होता है चेरुआ जिसको बोलते हो, ठीक है। तो चलो अब हमको थोड़ा ये भी दिखा दो, आड़ू दिखाओ, चलो दूर दूर से। अरे मारेगा, देखिए अरे मारेगा चल। चलिए आइए, देखिए ये आड़ू है, देखो देखिए यार चार चार किलो के। ये हो गया मतलब आप समझिए, आओ इधर आओ, मतलब एक मेल गोट होता है, फीमेल हो गया, तो फीमेल में बदिए आपका पाठी हो गया जो छोटे साइज का है, और जो बड़ा हो गया जिसमें दूध आ गया वो हो गया आपका बकरी। चलो आगे चलो, अब हमको छोटा में दिखाओ तुम, ये क्या है, कैसे दिखो? ये सब बदिया, बदिया है, दिखाओ, देखो ये सब पाठी, ये सब पाठी है, मतलब इसका अभी दूध नहीं आया है ना, ये पाठी हो गया, ये पाठी हो गया। हाँ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अभी तक, हमको बहुत मजा आ रहा है शूट करने। एक बार जरा कैमरा घुमाइए जरा, और देखिए कि भीड़, देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और परवेश बहुत बढ़िया से बता रहा है। चल भाई आगे चलो। अच्छा ये सब इतना सारा ट्रक व्रक देख रहे हैं, सब कहाँ से आता है इतना सारा? कलकत्ता से, कलकत्ता से माल आता है। मंगलवार को ही बाजार लगता है यहाँ पे ना, बड़ा बाजार, शनिवार भी लगता है। हाँ, शुक्र को भी। हाँ, ये जैसे ये बकरी हो गया कि पाठी है? ये पठेर हो गया। पठेर माने इसको दो दांत है। हाँ। अच्छा, अब भेड़ा का भी दिखा। और अगर जैसे देखो, एक तो हो गया बधिया, उसके बाद किसका मीट अच्छा होता है? छेरुआ, माने वही छेरुआ तो तुम्हारा हो गया, उसी को बधिया बोलते हैं हम लोग। हाँ। उसके बाद कौन सा अच्छा होता है? खस्सी को बधिया कहा गया। हाँ, खस्सी बधिया हो गया।
अरे आड़ू का मीट कैसा होता है? आड़ू महकता है, बोका उसी को बोलते हैं, महकता है। तो 5 किलो के नीचे वाला तो खाते हैं लोग? हाँ 5 किलो के नीचे वाले खाते हैं, नहीं तो बोका 1000 रुपए गाँव देहात में। हाँ वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आपका खस्सी का मीट हो गया, बकरी उसके बाद पाठी का हो गया। पाठी का और खस्सी यही दो चीज खाते हैं लोग ज्यादा, दो दांत वाला। बहुत बढ़िया, आप खरीदने आए कि बेचते हैं? ये बकरी वाले हैं, ये सप्लाई बेचते हैं। सप्लाई कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से यहाँ देने आए हैं। अच्छा है, व्यापारी होगा? व्यापारी हैं। बहुत बढ़िया, तो आपको समझ में आ रहा होगा बाजार का पूरा माहौल दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है। हाँ थोड़ा देर हो गया आ जाने में। अच्छा फैजान भाई भी हमारे साथ हैं, तो आप भी कुछ व्यापारी हैं एक्चुअली यहाँ पे? जी जी। ये जो बाजार है ये कब क्या है, मतलब आप लोग का माल वाल कैसे आता है, कहाँ से आता है सब? तो ये तो मैम ये मेन मार्केट है हमारे लिए, तो हम तो कोलकाता से डायरेक्ट यहाँ आते हैं। आप कोलकाता से आते हैं? अच्छा, यहाँ से मैं डायरेक्ट स्पोर्ट में जो गाड़ी लगी हुई है इसमें मैं लोड करके भिजवा देता हूँ कोलकाता। जी जी, और कल बुध के दिन है, कल वहाँ माल उतर जाएंगे, फिर एक दिन उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर जुमरात के दिन मंडी में उसे बेच देते हैं। अच्छा अच्छा ना। अच्छा ये तो, पकड़ के भी देखते हैं ना कि? जी, इसका मैं वेट लेता हूँ कितना इसका वजन है। कैसे कैसे देखिएगा वो बताइए? इसे मैं पकड़ता हूँ ना, ये पुट, ये होता है इसको पुट बोलते हैं, इसको पुट, हाँ, पुट का। तो ये मोटा है, ये कैसा मतलब कि उठेगा मीट इसका, इसी तरह अंदाज लग जाता है ये मोटा है। ये देखिए इसको मैं ऐसी करके, और इसकी ये चोटी बोलते हैं, ये मोटी है, इसको मैं पहचानता हूँ इसे। तो कितने केजी का होगा ये? 6 केजी का होगा। अच्छा ये 6 केजी का आप अंदाज लगा लीजिए। तो जब बकरी मतलब जब खसी बकरी जब खरीदारी करते हैं लोग जी, तो क्या क्या पैरामीटर क्या होता है, कैसे देखते हैं? मान लीजिए अगर ये उसको ये लेना है तो क्या देखेंगे इसमें? इसको मैं तो पहले वेट अपना वेट देखूंगा। हाँ, वेट के हिसाब से अपने में से व्यापारी से दाम करूंगा अपने। अच्छा। कुछ बेनिफिट रख के, और ये मार्केट पूरी आप देख सकते हैं ट्रक होंगे, ये कोलकाता के लिए रवाना होगी ये सब गाड़ी है। अच्छा वगैरह से माल लोड हो चुकी है, बाजार ऑलमोस्ट ठंडा हो चुकी है, हम लोग शाम में आए तो अभी तक सारा माल ये तो माल अब काफी गाड़ी निकल गई, आप लोग थोड़े से लेट हो गया आप लोग को आने में। बकरी और खसी मेल और फीमेल जानते हैं? हाँ। तो मेल फीमेल में भी दो क्वालिटी होते हैं आप तो जान चुके हैं, एक जो मतलब कि जो बच्चा दे दिया बकरी। हाँ। तो वो तो फीमेल मेल में आ गया, मतलब वो फीमेल बकरी हो गया ना, वो बच्चा दे दिया तो मेल फीमेल कुछ भी दे सकता है ना वो बच्चा दिया। तो जहाँ मेल दिया तो मेल में आपको वो आड़ू रहता है, उसे थोड़ा सा बड़ा होने पर 2 महीना के करीब हो जाता है, तो उसे खोजा कर देते हैं उसे। हाँ। तो वो ब्रीडिंग के लिए काम आ जाता है, तंदुरुस्त हेल्दी रहा, तो वरना नहीं तो उसे बेच दिया जाता है, वो बिक जाता है, कटने वटने के लिए चला जाता है। तो खोजा माने वो उसको ऑपरेशन करके उसका टेस्टिकल्स निकाल लिया, निकाल लिए जाते हैं, तो वो बन गया आपका बधिया। बन गया जी, खसी हो गया उसे, बधिया उसी को बोलते हैं क्या? वही बधिया, कुर्बानी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा अलग नस्ल का दिख रहा है? नहीं, ये तो बच्चे का जो बोलते हैं ना उलट, इसको जो होता है ना रोमा थोड़ा पलटा हुआ है, थोड़ा सा घुंघरेला होता है, जो आदमी का भी सर उड़ने वाला तो घुंघरेला इसका है। ये देखिए खस्सी है, ये बधिया किया हुआ, देखिए ये तो ऑपरेशन हाल फिलहाल हुआ है, आपको इसे नहीं रहता होगा, देखिए ये ब्लेड से किया गया ऑपरेशन इसका किया हुआ है, ये हाल फिलहाल किया गया इसके ऑपरेशन। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो बड़ा होने के बाद अगर ऑपरेशन कर देगा तो फिर उसका उसको दिक्कत होता है, वो बहुत परेशानी होता है, मतलब काफ़ी चांसेस रहते हैं बचने का, नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको, आपको कम से कम उसको 2 महीना के आसपास में करा देना चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, भेड़ भी मिल रहा है? जी जी, भेड़ भी मिलता है। भेड़ का बच्चा? भेड़ का खपत तो बिहार में नहीं होगा? नहीं, भेड़ का बच्चा आइए जो पालते हैं और लाके यहाँ सप्लाई करते हैं सब बंदे लोग। तो इसको यहाँ बिहार में तो नहीं बिकता होगा? नहीं, ये कलकत्ता ही जाता है, यहाँ बिक जाता है, यहीं कलकत्ता ही भी जाता है ना। देखिए ये थोड़ा सा बच्चे का कान पे देखिए थोड़ा चोट है, तो इसे भी सब ले जाएगा, कान पे थोड़ा सा इसका चोट है ना, तो ये थोड़ा सा सुस्त बच्चा है, इसका तबीयत खराब है, तो ये भी चला जाएगा। कितने लोग इसको बैंडेज वैंडेज करके पाल लेते हैं तो रहता है, वरना चला जाता है ये भी। तो बच्चा दे देता है तो पाठी बोलते हैं कि पाठी दांत की वजह से बोलते हैं? शुरू में पाठी रहता है, ऑटोमेटिक वो बच्चा देगा तो पाठी ही रहेगा, और उसके बाद उसको उम्र के हिसाब से उसको बकरी बोला जाता है, उसके दांत हो जाने पर उसको बकरी बोला जाता है। अच्छा। 2 से 4 दांत हो जाता है तो फिर रहता है वो, 6 दांत होते होते उसे बकरी कहा जाता है। एक आध ब्रीडिंग हो गया ना वो फिर बकरी का नस्ल में आ गया। अच्छा जी, ब्रीडिंग नहीं हुआ तो मतलब कि वो का ही है, पाठी है, का ही है, ये बोल सकते हैं। तो ब्रीडिंग नहीं हुआ तो फिर बड़ा भी हो जाएगा तो खा सकते हैं? जी जी, मांस अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है उसका। तो ये हो गया, अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या खिलाते भी हैं क्या लोग, खस्सी बना के भी खिलाते हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं, यहाँ खाली शाकाहारी खाना मिलता है, उधर का होटल में रहता है तो होटल में बनाता है, होटल में बनाता है। चलो बढ़िया है, तो मोटा मोटी मोटा मोटी यही कोई हिसाब किताब है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब खरीदा, ये हम देख रहे हैं दाग लगा हुआ, ये क्या है ये भी बताओ? पहचान है कि कोई खरीद लिया है इसको? जैसे कोई लाया ना, बहुत सारा खसी हुआ तो ये हरा जाएगा,
तो पहचान नहीं रहेगा तो वो कहेगा हमरा ही कहेगा हमरा। अच्छा। नंबर रहेगा तो कहेगा कि हमरा। अच्छा पहचान लगाने के लिए है, बहुत बढ़िया। तो हर अच्छा बिकने के बाद भी पहचान लगा देता होगा लोग। बिकने के बाद भी। तो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि यही है बाजार, और चार तरह का मुख्य आपको ये जानवर मिलेगा। सबसे बढ़िया होता है खस्सी, जिसको बोलते हैं बधिया, छेरुआ भी बोलते हैं तुम्हारे भाषा में। उसके बाद है पाठी खाना चाहिए। पाठी कितना बड़ा तक का खा सकते हैं? 5 किलो। इतना कितना हो गया? तो 5 किलो, ये तो ज्यादा हो जाएगा। इतना 20 किलो के भी 20 किलो पाठी खा जा सकते हैं? पाठी होता है। अच्छा दंत रहना चाहिए, दो दो पाठी रहता है, दंत रहता भी। हाँ दो दांत चार, दो दांत चार, बहुत टेक्निकल है। अच्छा एक दांत दिखाओ जरा, आओ दांत दिखाओ, इधर से दिखाओ, देखिए यहाँ से दिखाओ। ये हो गया दो दांत, ये आगे का दो दांत। हाँ अच्छा बड़ा दांत होगा, ये देखिए छोटा छोटा है तो दांत हो गया। मतलब एक भी दांत नहीं, मतलब जैसे तो एक भी दांत नहीं होगा। हाँ अच्छा अभी मतलब ये दांत में गिनती नहीं होगा। अच्छा बच्चा, ये बच्चा हो गया। हाँ तोता पड़ी है। खस्सी का रेट अलग होता है, बकरी का अलग होता है। किसका ज्यादा है? पाठी का। पाठी का रेट ज्यादा होता है? खस्सी का रेट ज्यादा होता है। अच्छा चलिए तो आइए, यही है बाजार। देखिए बाजार में क्या है ना कि हर तरह के लोग, हर तरह का सौदा मिलेगा आपको। तो अभी तक देखिए हम लोग जितना समझे हैं, और परवेज में बताया है कि चार तरह का हो गया जानवर। सबसे पहला हो गया खस्सी, ठीक है, जिसका कि मीट सबसे अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद आता है पाठी, पाठी भी खाते हैं बहुत सारे लोग। क्या पाठी में भी दो दांत चार दांत का कुछ हिसाब किताब होता है? ठीक है चार दांत है, चार दांत वाला। हाँ उदन मतलब चार दांत का, मतलब एक भी दांत नहीं, एक भी दांत। अच्छा और दो दांत, हाँ चार दांत, ठीक है। उसके बाद आता है बकरी, बकरी नहीं खाता है लोग, उसका मांस खड़ा होता है। क्या बकरी उसके बकरी चिड़ियाघर जाता है? चिड़ियाघर जाता है। तो बकरी का मांस कैसा होता है? मैंने नहीं गलता है, टेस्ट नहीं होता, गलता नहीं है, बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। और जो आड़ू हो गया वो 5 किलो तक का, आड़ू हो गया 5 किलो तक का ना, ठीक है। इसको भी जल्दी है, हम लोग भी जल्दी 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 खत्म करते हैं वीडियो। तो परवेज भाई और फैजान भाई भी यहाँ पे, ये व्यापारी हैं हमारे साथ, अभी इनसे भी बातचीत हो रही थी। कलकत्ता से आए हैं क्या आप? ठीक है। तो यही कुछ हिसाब किताब था बकरी बाजार का। आपने देखा होगा बहुत केओटिक है थोड़ा सा, इसलिए बहुत सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर मददगार होगी। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, परवेज़ भाई और फैजान भाई के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया, आप दोनों का शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद आपका। और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिएगा जनाब। होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, मुझे शूट करते टाइम बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही अलग सा पूरा माहौल था वहाँ का। तो फिलहाल मैं अभी आया हूँ आपके साथ अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, और आपको पता है कि होली आने वाली है तो ख़रीदारी तो करनी बनती है। तो अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है एडिडास का, ये देख लो, ये टी शर्ट है, ब्रीदेबल फैब्रिक है इसमें, और बहुत ही हल्का टी शर्ट है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। पसीना आपको आता है तो ये तुरंत ही उसे सुखा देगा, तुरंत ही आपको ड्राई कर देता है। और ये जो प्रोडक्ट है एडिडास की तरफ से, इसे आप जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे, या फिर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत ही हल्का है, जहाँ पर कि आपको पसीना आ रहा है तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और एडिडास की यहाँ देखो ये स्लीव पे ब्रांडिंग की हुई है, 3 जो स्ट्रिप्स बने हुए हैं एडिडास के लोगो के, तो ये है बहुत ही बढ़िया टी शर्ट, हल्का है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन पे आपको हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलते हैं। तो इसकी प्राइसिंग अगर बात करें तो MRP है 999 यानी 1000 रुपीज़, लेकिन अमेज़ॉन में हमेशा ही सेल चलती रहती है और मैं सेल छोड़ता नहीं कभी भी। तो ये मुझे मिला है 789 रुपीज़ में, ऑलमोस्ट अगर कहें तो 21% का डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पे, और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। तो आप अगर लेना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है हमारा ये UCB का शर्ट है, ये फुल स्लीव शर्ट है। वैसे तो मैं फॉर्मल्स कम ही पहनता हूँ, आप हमेशा मुझे टी शर्ट में ही देखते होंगे, वो भी खास तरह की टी शर्ट में, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स। हल्का है, कॉटन है, प्योर कॉटन मटेरियल है, और UCB का प्रोडक्ट है तो प्राइसिंग अच्छी होगी ही। प्राइसिंग है 2799 यानी कि 2800 रुपये, और ये मुझे मिला है 952 रुपये यानी कि 952 रुपीज़ में, ऑलमोस्ट 66% का डिस्काउंट है। तो बस आप भी लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिए और इस प्रोडक्ट को
जाइए चेक कीजिए कितना डिस्काउंट मिल रहा है, हो सकता है कि आपको मुझसे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो वहाँ पे। एनीवेज, तो जो आखिरी प्रोडक्ट है वो है एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी से जिसका कि नाम है क्रॉक्स, और क्रॉक्स के ये स्लीपर्स हैं और ये बेसिक वाले हैं, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्रॉक्स के प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे तो आते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बेहतरीन होती है और बहुत ही अच्छा मटेरियल, मतलब ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये इसकी प्राइस है 2495 रुपीज़, यानी कि 2495 रुपए के ये स्लीपर्स हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे अमेज़ॉन में कितना ज़बरदस्त डिस्काउंट मिला है मुझे, ये मुझे मिला है 1622 रुपीज़ में, मतलब 1622 रुपए में ही सिर्फ मिला है। और क्वालिटी और बाकी ड्यूरेबिलिटी के लिए कुछ कहना नहीं है। तो क्रॉक्स के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और बाकी के प्रोडक्ट भी जो आप मैंने अभी आपको दिखाया वो आप लिंक इन सब का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो बस मिलते हैं आपसे तब तक किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।